साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अगर आपके विद्यालय के किसी बालक बालिका के कहीं कोई भी डिटेल में संशोधन करना है, आपको किसी बालक बालिका की जो भी टीसी जनरेट कर रहे हैं या फिर आपको उसमें किसी बच्चे के नाम में पिता का नाम, एसआर नंबर या फिर अन्य किसी डिटेल में आपको संशोधन करना है लेकिन आप उसको नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका कारण क्या है, आप उसका समाधान किस प्रकार से करेंगे, उसकी चर्चा इस वीडियो में हम आपके साथ करने वाले हैं। प्रपत्र 5 की एडिटिंग को देखने के लिए, समझने के लिए आपको सबसे पहले विद्यार्थी टैब पे क्लिक करना है। विद्यार्थी विवरण संशोधन प्रपत्र 5, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तब आपको अपने उस संबंधित सत्र का चयन करना है जो वर्तमान में चल रहा है, उसके बाद कक्षा का चयन करना है, कक्षा के बाद में सेक्शन का चयन करते हुए शो बटन पे आपको क्लिक कर देना है। साथियों कुछ समय पहले एक्शन बटन हमें सभी बच्चों के दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन अभी सभी बच्चों के एक्शन बटन हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हमें जिस भी बालक बालिका की डिटेल में संशोधन करना है, चाहे उसके एसआर नंबर में नाम की स्पेलिंग एरर है, फादर नेम, मदर नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, इनमें अगर कहीं कोई संशोधन करना है तो हमें इस एक्शन वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही साथियों हम एक्शन वाले बटन पे क्लिक करेंगे, अब हम सिर्फ एसआर नंबर में, उसकी कास्ट कैटेगरी और उसके मोबाइल नंबर, इन तीनों में ही हम संशोधन कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त उसका नाम, फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ और उसका जेंडर, ये सभी जो डिटेल हैं ये फ्रीज कर दिए हैं। कुछ बच्चों के अभी भी ये डाटा अनफ्रीज है। साथियों जिन बच्चों का जन आधार ऑथेंटिकेशन हम पोर्टल पर पूर्ण कर चुके हैं उनकी ये डिटेल फ्रीज कर दी गई है। अभी भी हमारे जिन बच्चों का जन आधार का ऑथेंटिकेशन शेष है उनकी इस प्रकार की जो डिटेल है उसमें हम अभी भी संशोधन कर पा रहे हैं। आप इस बालक बालिका की जो डिटेल है उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमने जैसे इस बच्चे के एक्शन बटन पे क्लिक किया है, इसका डेटा एडिटेबल मोड में है। जिन बच्चों का ऑथेंटिकेशन अभी शेष है उन बच्चों के ही केवल हम प्रपत्र 5 में संशोधन कर सकते हैं। अगर आपके ऑथेंटिकेशन वाले किसी बालक बालिका के हमें संशोधन करना है तो साथियों अगर आपका सीनियर सेकेंडरी विद्यालय है तो आपको सीधा हेल्प डेस्क वाला जो यहाँ पर टैब दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके अपनी जो समस्या है उसको रिपोर्ट करना है। अगर आपका प्राइमरी या अपर प्राइमरी स्कूल है तो आपको अपने पीओ के माध्यम से, अगर आपका शहरी विद्यालय है तो यूसीओ के माध्यम से अपनी रिपोर्ट को हेल्प डेस्क के पोर्टल पर अपलोड करवाना है। उसकी क्या प्रक्रिया होगी इसको भी हम जान लेते हैं। साथियों जैसे ही हम हमारे पीओ या यूसीओ विद्यालय है उस पर हम हमारे जो समस्या है उसको रिपोर्ट करवाएंगे, उसके लिए हमें हेल्प डेस्क ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद हेल्प सेंटर विद्यालयों की समस्याएं, इस ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे अब हमें यहाँ पर राइट साइड में क्लिक हियर टू रिपोर्ट एन इश्यू प्रॉब्लम, इस पर यहाँ हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे इश्यू 4, अब इसमें जैसे सेलेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे संबंधित विद्यालय जो हमारा पीओ विद्यालय है उसका करना है या फिर अधीनस्थ किस विद्यालय का हमें हमारा इस प्रकार का जो भी प्रॉब्लम है उसके सॉर्ट आउट के लिए हेल्प डेस्क पे कंप्लेंट डालनी है उस विद्यालय का चयन करना है। अब हमें ध्यान देने वाली बात है कि हमारी जो प्रॉब्लम की मेन कैटेगरी है उसका यहाँ से चयन करना है। साथियों प्रॉब्लम की मेन कैटेगरी हमारी है विद्यार्थी से संबंधित, तो हमें विद्यार्थी, यहाँ लिखा हुआ है विद्यार्थी संबंधित, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद है प्रॉब्लम की सब कैटेगरी, इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे अब इसमें है विद्यार्थी विवरण संशोधन, एसआर नंबर, आधार, जन आधार, मोबाइल, बैंक अकाउंट, इस वाला जो ऑप्शन है इस पर हमें क्लिक करना है। इसके बाद में सेलेक्ट प्रॉब्लम फॉर सपोर्ट, इस पर राइट अस फॉर सपोर्ट, इस पर आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में अब आपको यहाँ पर जो हमारी समस्या है उसका डिस्क्रिप्शन देना है। आपको संबंधित विद्यार्थी की डिटेल आपको यहाँ पर लिखनी है कि किस विद्यार्थी की जो डिटेल है वो आपको यहाँ पर संशोधन करवानी है। साथियों या तो आप उसकी जो डिटेल है उसमें क्या आपको संशोधन करवाना है वो आप यहाँ पर लिखें, उसका एसआर नंबर, उसकी कक्षा, उसका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और आपको उसमें क्या संशोधन करवाना है वो सभी डिटेल आपको यहाँ पर लिखनी है। और साथियों जो सही डिटेल है उसका अगर आपके पास कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है तो उसके आप यहाँ से पीडीएफ बनाकर आपको यहाँ से पीडीएफ को अपलोड करना है। पीडीएफ में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपकी जो पीडीएफ है उसके साइज 200 KB से ज्यादा नहीं हो और आप बिल्कुल साफ सुथरी पीडीएफ यहाँ से अपलोड करें। आपको यहाँ पर टाइप करना है, आपके ज्यादा से ज्यादा 300 कैरेक्टर में आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, मिनिमम आपको 30 कैरेक्टर लिखने हैं। उसके बाद आपको प्रॉब्लम रिपोर्ट करें ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी समस्या को रिपोर्ट कर देना है।
अगर साथियों आप वहां से अपनी समस्या का समाधान संशोधन के माध्यम से नहीं करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उस संबंधित बालक बालिका का ऑथेंटिकेशन कैंसिल हो जाए, तो आप इसमें उस संबंधित बालक बालिका की डिटेल को सबमिट करके लिखें कि इस बालक बालिका का जो ऑथेंटिकेशन है वो गलत हो गया है, इसको री ऑथेंटिकेट हमें किया जाना है। तो आप उसमें लिखें कि इस बालक बालिका के ऑथेंटिकेशन को कैंसिल किया जाना है। तो उसका ऑथेंटिकेशन 2 से 7 दिवस में कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद में आपको डिटेल में अपडेशन करने के बाद पुनः आपको ऑथेंटिकेट करना है। साथियों ऑथेंटिकेट होने के बाद में आप उस विद्यार्थी की किसी भी डेटा की प्रविष्टि में संशोधन नहीं कर पाएंगे, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है।